उन पहले बताई थी जब रियलमी 9 लॉन्च हो रहा था कि भाई रियलमी 9 के दो वेरिएंट हमें देखने मिलेंगे, एक 5G वेरिएंट होगा, एक 4G वेरिएंट होगा। 5G वेरिएंट ऑलरेडी हमें इंडिया के अंदर देखने को मिल चुका है, लेकिन अभी के टाइम पर अगर मैं बात करूँ तो 4G वेरिएंट है इंडिया के अंदर रियलमी लेकर आ रही है। तो यहाँ पर आप देखते हैं कुछ टिपिकली इस प्रकार का बॉक्स दोस्तों हमें देखने को मिलने वाला है। 9 की ब्रांडिंग है, 4G की ब्रांडिंग है। नीचे की तरफ आप देखोगे तो रियलमी की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है और मोस्ट ट्रस्टेड टेक्नोलॉजी ब्रांड की ब्रांडिंग हमें देखने को जाती है। तो बॉक्स कंटेंट सेम वैसे ही हमें देखने जाता है, कुछ ज्यादा चेंजेस हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं। तो चलिए अभी हम यहाँ पर इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, आपको बताते हैं कि कैसा है स्मार्टफोन। तो जैसे दोस्तों बॉक्स ओपन करते हैं तो ऊपर की तरफ हमें एक छोटा सा बॉक्स देखने को जाता है, ग्रेट स्टोरेज सिंस टू द फर्स्ट लीप। दोस्तों हमें सिम जैक टूल वगैरह देखने को मिल जाते हैं। और वहीं दोस्तों अगर मैं यहाँ पर बात करूँ स्मार्टफोन की, तो ये है दोस्तों हमारा स्मार्टफोन। तो यहाँ पर आप देखते हैं टिपिकली ट्रिपल रियर कैमरा के साथ में देखने को जाता है, तो इसको भी हम यहाँ पर साइड में रख देते हैं। नीचे की तरफ दोस्तों यहाँ पर हम देखते हैं तो एक काफी बड़ा पावर अडैप्टर हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है, प्लस दोस्तों यहाँ पर हमें एक टाइप सी की केबल देखने जाती है। तो ये है दोस्तों अनबॉक्सिंग रियलमी 9 4G वेरिएंट की, जो कि हमने आपको दिखाई। आई होप आप सबको अनबॉक्सिंग पसंद आई होगी। तो फाइनली दोस्तों अभी हम चल पड़ते हैं हमारे स्मार्टफोन की तरफ और आपको दिखाते हैं स्मार्टफोन कैसा है, और फुली ओवरव्यू व्यू दोस्तों मैं आपको इस वीडियो के अंदर आपको दिखाने वाला हूं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि कैसा है स्मार्टफोन। तो चलिए वीडियो अभी हम शुरू कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अभी हम चल पड़ते हैं हमारे स्मार्टफोन की तरफ, और अगर मैं स्मार्टफोन की बात करूं तो अगेन दोस्तों साइड पंच होल डिस्प्ले के साथ ही स्मार्टफोन में देखने को मिल जाता है, जो कि हम एक एमलेट पैनल के साथ देखने जाते हैं, प्लस 90 हर्ट्ज का दोस्तों यहाँ पर हमें रिफ्रेश रेट देखने जाता है। ओवरऑल डिस्प्ले की ब्राइटनेस की बात करो तो काफी अच्छी हमें देखने जाती है। बैटरी के मामले में अगर मैं यहाँ पर बात करूँ सेम रियलमी 9 जो 5G वेरिएंट था उस जितने ही हमें देखने जाते हैं, ज्यादा कुछ चेंज देखने को नहीं मिलते हैं। और फिर अगर मैं रियर साइड के डिजाइन की बात करूँ तो वहां पर भी हमें कुछ ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिलते हैं, लेकिन एक चीज जो यहाँ पर अभी यूज की गई है, यहाँ पर दोस्तों हमें प्लाज्मा एटम कोटिंग है जो रियर साइड में देखने को मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों अगर स्मार्टफोन की बात करो तीन कलर में हमें देखने जाएगा, सन ब्रश गोल्ड, स्टारगेज व्हाइट देखने जाएगा और मेटियोर ब्लैक हमें देखने जाएगा। और हमारे पास जो स्मार्टफोन है वो हमें मेटियोर ब्लैक कलर के अंदर यहां पर अभी मिला है। तो ओवरऑल दोस्तों स्मार्टफोन की डिस्प्ले की बात करो, जैसे कि बात कर रहे थे कलर्स की, तो कलर्स भी काफी अच्छे हैं, ब्राइटनेस वो काफी अच्छी है, जिससे कि अगर यहां पर मैं बात करूं आउटडोर में इजिली आपको डिस्प्ले विजिबल हो जाएगी। साथ ही अगर मैं बात करूं इसके डिजाइन की तो हैंड्स ऑन फील है रियली में काफी अच्छी देखने में जाती है। कैमरा की तरफ चल पड़ते हैं, सिंगल सेल्फी देखने जाती है, 108 मेगापिक्सल रियर कैमरा हमें देखने जाता है, क्वालिटी है ओसम हमें देखने जाती है। मैं आपको स्मार्टफोन कैमरा क्वालिटी की तरफ लेकर चल पड़ता हूं, आप हमारे डिस्प्ले पर कुछ कैमरा सैंपल है जो स्मार्टफोन के देख सकते हो, जिससे कि आपको स्मार्टफोन के कैमरा की क्वालिटी के बारे में पता चल जाएगा। अगर मेरे हिसाब से अगर स्मार्टफोन की कैमरा क्वालिटी बात करूं तो रियली में गुड हमें देखने मिल जाती है, लो लाइट डे लाइट दोनों कंडीशन में काफी अच्छी। इसकी प्राइसिंग के हिसाब से मैं स्मार्टफोन को बेस्ट कहना चाहूंगा, क्योंकि अगर स्मार्टफोन की बात करूं तो 15 से 16 हजार के अंदर ही यह स्मार्टफोन हमें देखने जाएगा, इससे ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं मिलेगा। और इस प्राइसिंग के अंदर बात करूं अंडर 15,000 ही मिलेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। इस प्राइसिंग के हिसाब से बात करूं तो भाई कैमरा क्वालिटी रियली में काफी अच्छी हमें देखने जाती है। जो दूसरा पॉइंट है जो कि स्मार्टफोन की हाईलाइट है, वो स्मार्टफोन का चिपसेट है, जो कि दोस्तों स्नैपड्रैगन का 680 में देखना चाहता है। और अगर आप BGMI खेलना चाहते हो, फ्री फायर खेलना चाहते हो, कॉल ऑफ ड्यूटी खेलना चाहते हो या कोई भी हैवी गेम खेलना चाहते हो तो आप इजीली यहां पर प्ले कर पाओगे। आप में से काफी सारे दोस्त कहेंगे यार 680 यार क्या कामयाब होगा, यानी क्या कैसा चिपसेट, भाई रियली में गुड है। हाँ, एक 4G स्मार्टफोन इतना हम कह सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है उसमें भी कोई यहां पर हमें प्रॉब्लम फेस करनी होगी, क्योंकि अभी तक इंडिया में 5G नहीं आया और अभी भी काफी टाइम है इंडिया के अंदर 5G आने में। तो मेरे हिसाब से अच्छा है यार स्मार्टफोन ये, और परफॉर्मेंस के मामले में भी मैं कहना चाहूंगा कि हाँ रियली में हमें स्मार्टफोन है अच्छा देखना चाहता है। बैटरी बात को तो 4500 प्लस एमएच की बैटरी देखने जाती है और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और ओवरऑल अगर मैं बैटरी की बात हूं तो वो भी अगर आप नॉर्मल यूजेज करते हो तो एक दिन आपका आराम से निकाल सकती है। तो ये दोस्तों सारी चीजें स्मार्टफोन के बारे में जो कि मैंने आपको बताई। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर मैं दोस्तों अपने ओवरव्यू की यहाँ पर मैं बात करूं तो ओवरऑल दोस्तों स्मार्टफोन है रियली में काफी अच्छा लगा।